हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। ये जो पैटर्न होता है इसमें एक पहले पोल लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इस पोल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो प्राइस रेंज है वो इसके अंदर ही कंसोलिडेट हो जाती है और एक टाइम पीरियड के बाद ये काफ़ी ज़्यादा छोटा कंसोलिडेशन हो जाता है। जब ये कंसोलिडेशन काफ़ी छोटा हो जाता है उसके बाद या तो ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड किसी एक ट्रेंड में निकलती है, और अगर ये अप ट्रेंड में जाती है या डाउन ट्रेंड में जाती है तो इसका जो मिनिमम प्राइस टारगेट होगा वो आपका ये जो रेंज है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों प्राइस बीच में, वो आपका मिनिमम प्राइस टारगेट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट या नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ ये जो मिनिमम आपका पहला टारगेट होता है वो ये होगा। और कभी कभार ये भी होता है कि आपका जब ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ उसके बाद वो रिट्रेस्ट करने के लिए नीचे आता है, तो आपको वहाँ पैनिक नहीं करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ नीचे लगा कर रखना है। अगर इस रेंज तक आता है तो फिर से ये रिवर्स बैक जा सकता है। ये होता है सिमेट्रिकल पैटर्न, इससे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेंड जो है वो पूरे डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा।